Pakistan 396 shall go from our control zone only here. सियालकोट, एक जहां आबाद, जहां हर सुबह का ताजा सूरज नई रौनकों की नवीत लेकर तुलू होता है और हर शाम अपने साथ रोशनियों का जगमगाता पैगाम लेकर आती है। सियालकोट की तारीख गैर मोतबर और जबानी रिवायतों से अटी पड़ी है, लेकिन वैद गवाह है कि 5000 साल पहले भी ये शहर आबाद था। 1965 में सियालकोट के इलाके चविंडा में दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। इस लड़ाई में दुश्मन से छीने गए टैंक आज भी कौम के जज्बे शुजात के गवाह हैं। आज का शहर इकबाल सियालकोट एक सनती शहर है। सियालकोट की ड्राई पोर्ट और जदीद तरीन एयरपोर्ट वाहिद और तवील तरीन रनवे का हामिल है, जो पाकिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ मजबूत राब्तों का मौसर जरिया है। सियालकोट की मिट्टी से शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खमीर उठा और इसी के पानियों में फैज़ अहमद फैज़ का अक्स झलका, जिनकी सलाहियतों को निखारने में एक कदीम तालीमी इदारे की शानदार रिवायात ने बुनियादी किरदार अदा किया। इस अहद साज मादरे इल्मी को गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट के नाम से जाना जाता है। ये किस्सा है 1864 का, जब सियालकोट की कनक मंडी के कुर्ब में शहर की अव्वलीन दर्सगाह स्कॉच मिशन हाई स्कूल की बुनियाद रखी गई। अगले चंद बरस में स्कॉच मिशन स्कूल के अलावा कई और स्कूल वजूद में आए, लेकिन कोई तालिबे इल्म मैट्रिक के बाद तालीम जारी रखना चाहता तो उसे लाहौर का रुख करना पड़ता। 1889 में गवर्नर पंजाब सर जेम्स लॉयल ने म्यूनिसिपल बोर्ड को फंड्स फराहम करते हुए स्कॉच मिशन हाई स्कूल के अहाते में इंटरमीडिएट सेक्शन के आगाज के लिए अहकाम सादिर कर दिए। उसी साल कॉलेज का पंजाब यूनिवर्सिटी से इल्हाक हो गया। उस जमाने में इसका नाम स्कॉच मिशन कॉलेज करार पाया। स्कॉटलैंड मिशन के सरबराह डॉक्टर जे डब्ल्यू यंगसन को कॉलेज के बानी प्रिंसिपल होने का एजाज हासिल हुआ। कॉलेज का मोनोग्राम प्रोफेसर विलियम लिली ने डिजाइन किया, जबकि मोटो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट तय पाया। मरे कॉलेज का मोटो है जी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें तालीम देनी और तालीम लेनी है, और फिर उसके बाद क्यूरिकुलम के बाद एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर और को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज आती हैं। यही वो इब्तदाई अरसा था जिसके दौरान मोहम्मद इकबाल नामी एक तालिबे इल्म ने स्कॉच मिशन स्कूल से मैट्रिक तक तालीम मुकम्मल करने के बाद मजीद तालीम के हुसूल के लिए स्कॉच मिशन कॉलेज में दाखिले के लिए दरख्वास्त दायर की। यही वो तालिबे इल्म था जिसने आने वाले जमानों में बरसगीर के मुसलमानों की उम्मीदों और आरजुओं का मरकज व महवर बनना था। मरे कॉलेज को अपने वजूद से सरफराज करने वाले इस शर्मीले और कम को तालिबे इल्म को आज हम शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से जानते हैं। इकबाल को शायरी और इल्म से दिलचस्पी कॉलेज के पहले ही साल में शुरू हो चुकी थी। इकबाल मंजिल में आज भी कॉलेज के ज़माने की चंद किताबें मौजूद हैं। इकबाल के असातिज़ा में शम्सुल उलमा मौलवी मीर हसन भी शामिल थे, जिनकी स्कॉच मिशन स्कूल और कॉलेज से वाबस्तगी का अरसा तकरीबन 60 साल पर मुहित है। 20वीं सदी के आखिरी बरसों में बरतानवी फौज के कैप्टन
जान मरे ने जो सियालकोट छावनी में खिदमत सरंजाम दे चुका था फलाही मकसद के लिए 1500 पाउंड का तरका अपनी बहन के नाम छोड़ा। इस रकम से सियालकोट में 12.5 एकड़ रकबा खरीद कर कॉलेज की तामीर के लिए पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। इस गायबाना इमदाद के नतीजे में स्कॉच मिशन कॉलेज के लिए अलग कैंपस की तामीर के मंसूबे पर अमल करना मुमकिन हो गया, जिसके बाद इंटरमीडिएट की क्लासों को यहां मुंतकिल कर दिया गया। जगह के साथ साथ कॉलेज का नाम भी तब्दील हुआ। कैप्टन जॉन मरे के नाम पर स्कॉच मिशन कॉलेज को मरे कॉलेज सियालकोट का नाम दिया गया। कॉलेज की तारीख ने जब नया मोड़ लिया तो तलबा की तादाद 41 थी और प्रिंसिपल के मनसब पर कॉलेज के पुराने उस्ताद रेवरेंड जॉर्ज वाफ फाइज थे। जॉर्ज वाफ की भरपूर कोशिशों के नतीजे में 1913 में मरे कॉलेज को डिग्री कॉलेज का दर्जा मिला। में जॉर्ज वाफ की रिटायरमेंट के बाद रेवरेंड डॉक्टर विलियम स्कॉट ने उनके जानशीन के तौर पर फराइज संभाले। वो एक जफाकश और अंधक इंसान थे। 1921 में डॉक्टर विलियम स्कॉट की कोशिशों के नतीजे में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट को बीए ऑनर्स की क्लासें शुरू करने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर विलियम स्कॉट के बाद डिसिप्लिन के पाबंद रेवरेंड जॉन गैरेट ने प्रिंसिपल की हैसियत से इंतजामी जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने अपने तवील करियर के दौरान कॉलेज के तालीमी मेयार को बेहतर बनाने और तलबा की जहनी और जिस्मानी सलाहियतों को जिला बख्शने पर खास तवज्जो मबसूल की। जब उन्होंने चार्ज संभाला तो कॉलेज में जेर तालीम तलबा की तादाद 180 थी, जो 1929 में बढ़कर 424 हो गई। 1926 में केमिस्ट्री लेबॉरेटरी की अलहदा इमारत तामीर की गई। उसी साल इंटरमीडिएट की प्री इंजीनियरिंग क्लासों का आगाज भी कर दिया गया। प्रिंसिपल जॉन कैरेट की काविशों का नतीजा था कि मरे कॉलेज न सिर्फ बरसगीर के चंद बेहतरीन कॉलेजों में शुमार किया जाने लगा बल्कि सियालकोट की पहचान करार पाया। मरे कॉलेज से जो हमने एजुकेशन ली या वहाँ से जो हमने एक किस्म की मॉरल एजुकेशन भी हमें मिली, वो हमें सारी ज़िंदगी वो नहीं भूल सकती। द लव एंड यू नो द डेडिकेशन ऑफ दोज टीचर्स, तो उन्होंने हमें किस तरह लाइफ का स्टाइल अपने बताया कि भाई किस तरह यू कैन लिव ए सक्सेसफुल लाइफ इन दिस वर्ल्ड। तो ये इंस्टीट्यूशन का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी एक इंसान की सक्सेसफुल ज़िंदगी में। 1927 में फैज़ अहमद नाम का एक लड़का स्कॉच मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो मौलवी सैयद मीर हसन ने उस लड़के की खाबीदा सलाहियतों को भांप कर इकबाल की तरह उसे भी अपने दामन शफकत में समेट लिया। मरे कॉलेज की इल्मी और तख्लीकी फजा का फैजान था कि फैज अहमद नाम का ये लड़का आगे चलकर फैज अहमद फैज कहलाया और शोहरत तमाम का हकदार ठहरा। 1942 में मरे कॉलेज ने एक और संगे मील उबूर किया। उस बरस कॉलेज में फलसफा और अंग्रेजी अदब में एमए की क्लासों का इजरा हुआ। इंग्लिश डिपार्टमेंट तो जी 1942 में यहाँ पे कायम हुआ गवर्नमेंट मरे कॉलेज में क़याम पाकिस्तान से पहले, और उस वक्त से लेकर आज तक यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की सतह पे यहाँ पे इंग्लिश की तालीम दी जा रही है। कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी की क्लासों का इजरा बिलतरतीब 1942 और 1946 में मुमकिन हो सका। 1944 मरे कॉलेज की तारीख में यादगार रहेगा कि उस बरस माह अप्रैल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कॉलेज तशरीफ लाए और तलबा से खिताब किया। इस मौके पर प्रिंसिपल जॉन कैरेट की क़यादत में असातिज़ा और तलबा ने कायद का वालेहाना इस्तकबाल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में कॉलेज के पांचवें प्रिंसिपल डॉक्टर लेस्ली स्कॉट ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। सियालकोट की तहसील डस्का में पैदा होने वाले लेस्ली स्कॉट कॉलेज के तीसरे प्रिंसिपल डॉक्टर विलियम स्कॉट के फर्जंद थे। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह मुश्किल हालात में कॉलेज का इंतजाम संभाला। डॉक्टर लेस्ली स्कॉट की रिटायरमेंट के बाद बायोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह प्रोफेसर आरसी थॉम्स ने कॉलेज की जिम्मेदारियां संभाल दी। उन्हें कॉलेज के पहले मकामी प्रिंसिपल होने का एजाज भी हासिल है। 1964 में
डॉक्टर एरन मार्क कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। वो अंग्रेजी जुबान के उस्ताद और एक हवा पैरू शख्सियत थे। 1972 में सरकारी तहवील में आने के बाद कॉलेज का नाम बदलकर गवर्नमेंट मरे कॉलेज रखा गया। इसी बरस प्रोफेसर खैरुल्लाह के बाद डॉक्टर वी ए दास कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। उनके दौर में 1977 में बीएससी प्री मेडिकल की क्लासें शुरू की गईं। 1988 में मरे कॉलेज को 99 बरस बाद प्रोफेसर ए आर सिद्दीकी की सूरत में पहला मुसलमान प्रिंसिपल नसीब हुआ। वो 1947 में साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से कॉलेज से वाबस्ता हुए। 1996 में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर आगा अफजाल अली खान ने प्रिंसिपल की हैसियत से फराइज संभाले। उन्हीं के दौर में 1998 में एक निजी फर्म के इश्तराक से कॉलेज में कंप्यूटर डिपार्टमेंट कायम हुआ। उनके बाद आने वाले प्रोफेसर अरशद सिद्दीकी और प्रोफेसर रियाज सादिक के अदवार में भी कॉलेज की तरक्की का सफर जारी रहा। कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल प्रोफेसर कमर मलिक आबान भी कॉलेज के पुराने तालिबे इल्म हैं। 2005 में बहसियत प्रिंसिपल अपनी तैनाती से कब वो इसी कॉलेज में बायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने कॉलेज में पहली बार कंप्यूटर साइंस की मुफ्त तालीम मुतारिफ करवाई। हमारे कॉलेज में पंजाब में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे हैं। 1,167 स्टूडेंट्स, दे आर गेटिंग फ्री एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस इन दिस कॉलेज। मरे कॉलेज में दाखिल हूँ तो सबसे पहले मेन ब्लॉक की इमारत पेश नजर होती है। 1920 में तामीर होने वाली इस इमारत में एमए अंग्रेजी के क्लासरूम और ग्रीन रूम के अलावा मौलवी मीर हसन हॉल पर मुश्तमिल है। पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक की 3 मंजिला इमारत जदीद तर्ज तामीर का एक खूबसूरत नमूना है। कसीर सरमाए से तामीर होने वाली इस इमारत को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिए वक्फ किया गया है। अल्लामा इकबाल ब्लॉक 2 मंजिला इमारत है जो बीएससी की बॉटनी और जूलॉजी लैब्स के अलावा जूलॉजिकल म्यूजियम और हर्बेरियम पर मुश्तमिल है। गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट जब स्कॉच मिशन कॉलेज की हैसियत से वजूद में आया था तो तलबा की तादाद 11 और असातिज़ा की तादाद 4 थी, लेकिन आज कॉलेज में तलबा की तादाद 6,000 से तजावुज़ कर चुकी है जबकि असातिज़ा की तादाद 80 है। यहाँ के असातिज़ा 50% से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यहीं इसी कॉलेज से यानी पढ़े हुए मुख्तलिफ मराहिल पर। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की सतह पर साइंस और आर्ट्स के तमाम अहम मजामीन समेत कंप्यूटर साइंसेस और कॉमर्स के मजामीन पढ़ाए जाते हैं। मरे कॉलेज के बदन से कई खूबसूरत रिवायात ने जन्म लिया है जिनमें एक परचम कुशाई तकरीब भी है। ये तकरीब क़याम पाकिस्तान के बाद से हर रोज़ सुबह बिला नाका मुनाकिद की जाती है। तलबा की ज़हनी सलाहियतों और इल्मी इस्तेदाद में इजाफे के लिए कॉलेज में अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी मौजूद है। कॉलेज लाइब्रेरी की 2 मंजिला इमारत मोहम्मद बिन कासिम ब्लॉक के साथ बाकी है। इस कदीम लाइब्रेरी में 25,000 से ज़्यादा कुतुब मौजूद हैं जबकि जराइद और अखबार के मुताले से भी तलबा हालात हाजरा से आगाही हासिल करते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं, क्लासेस रेगुलर होती हैं जिसकी वजह से यहाँ हमने एडमिशन लिया है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने का एक बेसिक पॉइंट यही है कि यहाँ के टीचर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कोऑपरेटिव हैं। तलबा की अदबी और तख्लीकी सलाहियतों के फरोग के लिए कॉलेज का सालाना जुलूस मुफक्किर 1915 से बाकायदगी से शाया हो रहा है। इस मौके जरीदे का नाम अल्लामा इकबाल की मुनासबत से रखा गया है। सियालकोट का शायद ही कोई बासी हो जो कोई ना कोई खेल ना खेलता हो या खेल से दिलचस्पी ना रखता हो। शहर का ये मिजाज मरे कॉलेज में भी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। क्रिकेट और हॉकी के अलावा दीगर खेलें भी यहाँ मकबूल हैं।
कॉलेज में वाके खूबसूरत और जदीद सहूलियात से लैस जिमनेजियम में इंडोर एथलेटिक्स और बैडमिंटन कोर्ट के अलावा दीगर इंडोर खेलों के मुकाबले मुनाकिद किए जाते हैं। हमारे कॉलेज में क्रिकेट से शुरू करके एथलेटिक्स तक ऑलमोस्ट हर खेल है, स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत भरपूर होती है। शाहिद यूसुफ है जो इस वक्त रिसेंट में भी पाकिस्तान की तरफ से खेला है, मंसूर अमजद है पाकिस्तान की तरफ से खेला है, तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वी आर प्राउड ऑफ आर दीज एक्स स्टूडेंट्स एंड प्लेयर्स। कॉलेज का जी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा और ये याद रही गई जो टाइम है कॉलेज का, बहुत ही इंजॉय करने वाला टाइम था जो हमने बड़ा अच्छे तरीके से गुजारा। जो कंपटीशन है वो मैंने सीखा स्पोर्ट्स फील्ड में, जब मैं कॉलेज में क्रिकेट काफ़ी शौक से खेला करता था तो मुझे वो सेंस ऑफ कंपटीशन और वो वहाँ से मुझे मिली, और टू विन एंड लूज विद ग्रेस मैंने वहीं से सीखा। पोस्ट ग्रेजुएट तालिबात के लिए हॉकी ग्राउंड के साथ ग्रीन रूम तामीर किया गया है जहाँ उन्हें तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई है। मरे कॉलेज की मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम ब्लॉक के साथ वाकई है। उर्दू डिपार्टमेंट के साथ वाके चर्च की तारीखी इमारत 1861 में तामीर की गई थी। गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट पाकिस्तान का एक नहायत कीमती असासा है जो माशरे में बर्दाश्त और भाईचारे पर मबनी सेहतमंद रुझानात के फरोग के लिए कोशिश है। मैंने मरे कॉलेज में 1973 के सेशन में प्री इंजीनियरिंग में मैंने टॉप किया था और उसमें मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो साइंस सब्जेक्ट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे। यहाँ से पानी तहसीब तहजीबों के दरमियान मकाने के फरोग में गैर मामूली किरदार अदा कर रहे हैं। यही हमारे आज और हमारे दरखशंदा कल की जमानत है।